हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के हवाले से रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सिंपल मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए पार्टनर की करंट फीलिंग के हवाले से क्या मैसेजेस आते हैं इस टाइम फ्रेम में। ओके पाइसेस पार्टनर्स करंट फीलिंग। ओके अंदर नींद आपके पास है टावर कार्ड। आपके पार्टनर जो है इस वक्त टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं। कोई कुछ अनएक्सपेक्टेड उनकी लाइफ में है जो कि ओके लेट्स सी। नाइन ऑफ कप्स, द हर्मिट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ वंड एंड फोर ऑफ कप्स। कुछ ऐसी न्यूज़ आपके पार्टनर के पास आई है पाइसेस जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड है, लाइक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ जिस जो उसको शॉक कर सकती है, या फिर वो आपको कोई ऐसी न्यूज़ दे रहे हैं जो आपको शॉक करे। कुछ ऐसा आप दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चला हो, या फिर आपके पार्टनर को आपके बारे में पता चला है जिसकी वजह से वो ब्रेकअप सिचुएशन में, लाइक शॉकिंग शॉक्ड में है इस वक्त। और उनकी अप्रोच जो है वो इस सिचुएशन में नॉन सीरियस थी, वो हमेशा से नॉन सीरियस ही रहे। और हो सकता है वो आपको एक ऐस ब्रेकअप वाली सिचुएशन में लेके गए हों, वो इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को ब्रेकअप वाली सिचुएशन में ले गए हों। अगर ये नया पर्सन था तो वो जो है वो प्लेयर था। आपको उनकी तरफ से कोई ये सिचुएशन पता चली हो कि वो जो है सीरियस नहीं है, या वो प्लेयर हैं, वो किसी और के और भी लोगों में इन्वॉल्व हैं, इस तरह की सिचुएशन आपको उस पर्सन के बारे में पता चली हो। तो ये या फिर कोई नॉन सीरियस टॉक, हार्श वर्ड्स एक्सचेंज हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये सिचुएशन आपके और उस के पार्टनर के साथ रही हो, इन इमेच्योर बिहेवियर, नॉन सीरियसनेस। अगर नया रिलेशनशिप है तो चीटिंग वाली सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो कोई प्रपोज़ल आपके पास आ सकता है, आया हो उस पर्सन की तरफ से जो कि नॉन सीरियस है। बट अगर ये लॉन्ग टर्म एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है आपका, तो कोई न्यूज़ है जिसकी वजह से आप लोगों में ब्रेकअप है, और किसी का इमेच्योर बिहेवियर, या फिर आपको लगा हो कि वो पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ उस पर्सन के साथ रही हो। बट आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल उनकी कोई विश है, कोई वो अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं। वो हो सकता है ये विश जो उनकी है यही आपको शॉक में लेके जा रही हो ये सिचुएशन। वो क्या चाहते हैं, उनकी जो विश है हो सकता है यही ब्रेकअप का बाइस बनी हो आप लोगों के दरमियान। और उनके लिए चैलेंज इस टाइम पे ये है कि वो उनकी अप्रोच लाइफ की तरफ जो है वो सीरियस नहीं है। वो कुछ भी सोच समझ के नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो वर्क के हवाले से हो, चाहे लव लाइफ के हवाले से हो। तो नॉन सीरियस एटीट्यूड और जो है वो इस बॉन्ड को उनमें जो है वो स्टेबिलिटी की कमी है इस टाइम। उनकी सोच में, उनकी सोच बैलेंस नहीं है। उनको इनको मेच्योर होने की ज़रूरत है, जो कि वो मेच्योर इस वक्त सोच नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। तो ये उनके लिए एक चैलेंज है इस टाइम पर। और वैसे दो तो वो चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप बनाना, बट वो या फिर वो अपने वर्क में, काम में ज़्यादा अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं, या वो अपने अपने आप को वर्क में ज़्यादा बिजी रखना चाह रहे हैं, या कुछ अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो कि उनकी ख्वाहिश है, बट वो उसके लिए कुछ सीरियस नहीं सोच पा रहे हैं।
तो ये सैड चैलेंज है उनके लिए, और हो सकता है इस वजह से आप लोगों में ब्रेकअप भी हो। तो कुछ अरसे के लिए वो पर्सन जो है वो अलूफ और डिटैच ही रहेंगे। अगर आप उन तक अप्रोच करते भी हैं तो वो आपको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनमें लैक ऑफ स्टेबिलिटी है, इमेच्योरिटी है इस टाइम। सो वो इसको अभी नहीं ले पा रहे हैं, कर पा रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स को। वर्क में ज़्यादा वो अपने आप को इन्वॉल्व रखना चाहते हैं, काम में बिजी रखना चाहते हैं, और रिलेशनशिप वाइज वो अपने आप को थोड़ा डिटैच रखना चाहते हैं। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ये कहा हो कि वो अभी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, अगर आप लोग कपल में हैं तो भी। पाइसेस, या फिर कोई प्रपोजल आपके पास आया था जो कि जिनकी डिमांड्स कुछ जिनकी ख्वाहिशें और डिमांड्स जो हैं वो इमेच्योर थी, वो आपको पूरा करने में थोड़े जो है वो मुश्किल पेश आ रही थी, तो इसी वजह से वो पर्सन जो है वो पीछे हट सकता है। जो लोग अरेंज मैरिजेस के लिए प्रपोजल्स देख रहे हैं। सो होप ये आपसे रेजोनेट करे। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।